मिस्टर सलमान बेटी वाला साहब फ्रॉम आईआईटी मद्रास गोल्ड मेडलिस्ट, ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है और इनसे काफी सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। तो आई वांट टू से वेलकम टू मिस्टर सलमान बेटी वाला साहब। आई रियली थैंक यू टू गिवन प्रीशियस टाइम टू द स्टूडेंट्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, आने वाले हैं, सभी लोग आ रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों का भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा जनाब जनाब मूसा भाई साहब को, वो आज कुछ वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे एंड माइक भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो एक जनरल डिस्कशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उनके बाद हम स्पेशल गेस्ट भी रहेंगे। तो आई इनवाइट यू मूसा भाई, वो आके हमें कुछ गाइडेंस करें एंड जनरल डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टीम मेंबर्स। माय नेम इज मोहम्मद मूसा, I am chemical engineer. I work in Bharat Petroleum Corporation Limited and I am attached with Sunni Dawat Islami Team Ummeed. And Team SDI Ummeed Sunni Dawat Islami की एक ऐसी टीम है। Sunni Dawat Islami का नाम तो सुना होगा आपने, आजाद मैदान वाली रूट में हमारा बिगेस्ट इज्तिमा होता है, तो उसकी एक टीम है Team SDI Ummeed। हम लोग स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स की खिदमत में लगे रहते हैं, अपना नॉलेज उनसे शेयर करना, अपनी मालूमात शेयर करना, करियर गाइडेंस करना, करियर काउंसलिंग करना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। मेरे राइट साइड में यहाँ पर जो बैठे हुए एक हैंडसम पर्सनालिटी आपकी महिलाओं के सामने है, जिनका नाम है मिस्टर सलमान पेटी वाला। ये IIT चेन्नई से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने MTech किया है मेकाट्रॉनिक्स में और ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करते हैं। जरा एक मरतबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलिए। एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं ये। अभी दो दिन पहले ये US ट्रिप से, US से मक्का गए, वहाँ उमरा किया, फिर मदीने सरकार की बारगाह में हाजिरी के साथ हाजिरी की और कल सुबह ये इंडिया पहुँचे और आज हमारी खिदमत में ये हाजिर है। फिर नुमान भाई हमारे उनके पास में बैठे हुए हैं, ये भी IT फील्ड के प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, टीम SDI Ummeed से जुड़े हुए हैं, वक्तन फोक्तन अपनी खिदमत देते रहते हैं। फिर वहाँ बैठे हुए मोहम्मद इस्माइल जो MBA फाइनेंस में हैं, जिन्होंने फाइनेंस में MBA किया है, टीम SDI Ummeed के हमारे एक मजबूत साथी हैं, जिनसे आज हम कुछ इस्तेफादा करेंगे, कुछ इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे शादाब भाई जो हमारे इस नवी मुंबई जोन के निगरान भी हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह, ये भी MBA हैं और अपनी फील्ड में ये भी अपनी खिदमत देते हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हमारी बात सुनने से ज़्यादा अपनी बात में लगे हैं, तो मुझे आपके करीब आना पड़ेगा, वरना बात मैं करके चला जाऊँगा और फिर ये होगा कि एक क्लास थी जिसमें टीचर पढ़ा रहा था, तो टीचर ने कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो ऐसे ही दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, टीचर की तरफ ध्यान नहीं था, टीचर उनका नाम जानता था, उन्होंने फौरन कहा अहमद बताओ मैंने अभी क्या कहा, तो बच्चे ने कहा सर कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो कहीं कुतुब मीनार कुत्ता बीमार ना हो जाए, इसलिए आपको फोकस रखने के लिए मेरे को पोडियम छोड़ना पड़ा है और मुझे उम्मीद है कि अभी एटलीस्ट आप अपना डिस्कशन छोड़ेंगे और हमारी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। करेंगे चल, हम आपको डिस्कशन का मौका देंगे, हम यहाँ वन वे ट्रैफिक नहीं करेंगे, हम आपको मौका देंगे बोलने का। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बच्चे सबके सामने खड़े होकर बोलने से शर्माते हैं, घबराते हैं बोलने से, तो इसलिए हमने वन टू वन काउंसलिंग रखी है। ये जब स्पीच हमारी खत्म होगी, एक घंटे के अंदर हम स्पीच खत्म कर देंगे, भाषण नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका भाषण होगा, यानी आपको आपके जहन में जो सवाल है वो आप हमारे काउंसलर के सामने, सलमान भाई के सामने, इस्माइल भाई के सामने और भी हमारे रजाकुल्ला सभी तशरीफ ला रहे, उनके सामने बैठकर आप अपना सवाल पूछिए, जो आप पूछना चाहते हैं पूछिए,
सामने बिठाकर, माइक पर नहीं बल्कि सामने बिठाकर, क्योंकि लोगों को माइक का भी डर होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि आपको हम पूरा मौका दें। चलिए, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इन स्टूडेंट्स में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे दिया है? पूरा हाथ उठाओ ना, थोड़ा समझेगा बात, समझ में आएगी। ओके, एंड हाउ मेनी आर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, विच स्ट्रीम, साइंस के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, ओके आर्ट्स के, ओके एंड हाउ मेनी आर फ्रॉम 8, 9, 7 स्टैंडर्ड, विच स्टैंडर्ड बेटा, 8th स्टैंडर्ड, ओके इसका मतलब मिक्स क्राउड है यहाँ पर, ठीक है। तो जो 12th स्टैंडर्ड में हैं उनको कुछ बातें पहले से पता होंगी, अब हमको सबका ख्याल रखना है। नॉर्मली हम ये करते हैं कि हमारा जो क्राउड होता है वो 8 to 10 स्टैंडर्ड का होता है, 11, 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम सेपरेट काउंसलिंग रखते हैं किनारे को बात करने, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन बात करेंगे, कुछ कॉमन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आपको इसकी मालूमात होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी मालूमात होगी, लेकिन हमको उनका भी ख्याल करना है जिनके पास इसकी मालूमात नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि करियर किसको कहते हैं, What do you mean by career? अच्छा ये करियर है कि कैरियर है? Come on. जी जी हाथ उठा के, कोरस में नहीं, कॉन्फिडेंस में बोलो। यस, कैरियर, कैरियर है सलमान भाई, कैरियर है कि करियर है? कैरियर होगा तो सिर्फ ऊपर बिठा के लेके जाना पड़ेगा, करियर। यस, तो इसमें हम मिस्टेक करते हैं, कैरियर बोलते हैं हम लोग, कैरियर तो कैरियर नहीं है, ये कैरी करना है लाइफ भर, जिंदगी भर उसी प्रोफेशन को कैरी करना है जिस जो आप बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कैरियर नहीं है, ये क्या है, करियर है। कैन यू डिफाइन करियर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वर्ड करियर, कम ऑन, लड़कियों में से भी बोल सकते हैं आप, देयर इज नो इशू, जो आपके मन में आता है। यस पिक, व्हाट इज योर नेम, अजीज, ओके द स्ट्रीम वी हैव टू फर्दर स्टडी एंड फॉर दैट वी कैन चेंज द नेम इजीली ओके बिकॉज़ आवर नेम और एक्सपर्टीज आर इन दैट स्टडी फॉर मी। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इन व्हिच स्टैंडर्ड यू आर स्टडी? Well, science. Okay, good. तो सही कहा आजीज भाई ने, एक ऐसा स्ट्रीम, एक ऐसा फील्ड, ये अच्छा हो गया। ये फैन बंद हो गया ना, अब आवाज आएगी, बंद ही रहने दो फैन, इतनी गर्मी है कि आज तो गर्मी भी कम है। अल्लाह का फजल है कि पनवेल का प्रोग्राम जिस दिन है उस दिन अल्लाह ने क्लाउड अता फरमा दिए, बादल दे दिए, इसलिए गर्मी भी आज कम है ना, कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ तो बोलो, आपकी आवाज क्यों कम है, गर्मी कम है कि आवाज कम है? गर्मी कम है, आवाज भी कम है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आवाज आएगी इंशाल्लाह। तो करियर इसी को कहते हैं जिसमें एक ऐसा स्ट्रीम, एक ऐसा फील्ड, एक ऐसी ब्रांच ऑफ व्हाटएवर, इंजीनियरिंग और मेडिकल व्हाटएवर, जिसमें जिसकी स्टडी हम करते हैं और उसी में अपनी जिंदगी हम गुजारने वाले, मिनिमम 40 ईयर्स हम उसी में गुजारने वाले। जैसे अगर आप 21 ईयर्स में इंजीनियर हो जाते हो तो 60 ईयर्स में रिटायर हो जाओगे, अगर कहीं जॉब करोगे तो, है ना, 60 ईयर्स में रिटायर हो जाओ, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो कंपनी फिर बुला लेती है। तो आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस फील्ड में जाने वाला है, एक बड़ा हिस्सा उस फील्ड में जाने, इसीलिए इसका डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे अक्सर रॉन्ग डिसीजन लेकर फंस जाते हैं। अभी कल एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर पर आई थी, लेडी थी, लड़की थी, पिछले साल भी आई थी, बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग डिसीजन नाउ शी इज स्ट्रगलिंग, अब वो स्ट्रगल कर रही है। उस टाइम पर जब वो एसएससी जब उसने क्लियर किया था, अगर उस टाइम पे सीरियसली उसने डिसाइड किया होता कि इन विच स्ट्रीम आई शुड टेक एडमिशन, सीरियसली डिसाइड किया था, आज ये ट्रबल नहीं होता। अभी वो स्ट्रगल कर रही है कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, ये डिफिकल्ट जा रहा है, वो डिफिकल्ट जा रहा है, ऐसी बातें वो कर रही थी। खैर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह करके
उसको हमने समझाने की कोशिश की कि कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर है, एंड नाउ हाउ कैन शी चेंज एंड कम बैक टू दैट पर्टिकुलर फील्ड जिसपे उसका एप्टीट्यूड मैच होता है, जिसको समझाने की हमने कोशिश की थी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है करियर का सिलेक्शन राइट वे में, राइट तरीके से, राइट पर्सन से, क्योंकि आजकल करियर गाइडेंस ना चने की दुकान हो गया है, कोई भी बेच रहा है, इसलिए राइट पर्सन से भी इसका गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। वरना हमारे घर में हम एक नमूना होते हैं, चाचा आके ये बोलते, दादा आके ये बोलते, अब्बा आके ये बोलते, मामू आके ये बोलते, और सब आके जैसे मैं एक ब्लैक बोर्ड हूँ, मुझ पे सब लिख के जाते हैं। एक आके इंजीनियर लिख के जाएगा, एक आके सिविल सर्विसेज के बारे में लिख के जाएगा, एक आके क्या क्या लिख के जाएगा। तो आई एम लाइक अ ब्लैक बोर्ड एंड माई रिलेटिव दे आर कमिंग एंड जस्ट राइटिंग ऑन माई ब्रेन एंड आई एम गेटिंग कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है। लेकिन सल्यूट टू यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉपी और पेन लेकर आए हैं। इसीलिए तो सैल्यूट मारा था मैं आपको, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है कि जितना सुनोगे सब याद रहेगा। चलिए पेन नहीं लेके आए, कॉपी नहीं लेके आए, तो लेके आया करो, जब भी ऐसे प्रोग्राम में जाओ ना तो पेन और कॉपी लेके जाया करो, ताकि नोट कर लो क्या बताया जा रहा है, याद नहीं रहता है, पुर्चा पाठ माचा सपाट हो जाता है, आगे जाओ कल जाओ के घर पे जाने के बाद भूल जाओगे, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर कॉपी और पेन नहीं लेके आए तो कम से कम अपना मोबाइल निकाल कर नोट्स में जाकर उन चीज़ों को नोट करो जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही। करियर सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, देर आर थ्री फैक्टर्स फॉर सेलेक्टिंग अ करियर। कितने फैक्टर्स हैं बोलते ही नहीं, जोर से बोलो, थ्री फैक्टर्स या थ्री पैरामीटर्स फॉर सेलेक्शन ऑफ करियर। बोलो कितने पैरामीटर्स हैं, ऐसे करो याद रहेगा इंशाल्लाह अगर ऐसे करो। नंबर वन इज एप्टीट्यूड, क्या है एप्टीट्यूड। नंबर टू इज पर्सनालिटी एंड नंबर थ्री इज इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये तीन फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, आपको पता होगा एप्टीट्यूड किसको कहते हैं, पता है, कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड, कम ऑन, नहीं तो नहीं बोल दो, कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं बताऊंगा कि आप लोग को इंटरेक्शन में सर को बता रहे वर्क को बहुत इंटरेक्शन भी होना चाहिए। मैं बताता हूं एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है एप्टीट्यूड, नहीं मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो आप लोग कुछ भी आकर को बोलना मत, नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ, घबराइए मत, डरो मत, थोड़ा डरावना दिख रहा हूँ लेकिन डरावना हूँ नहीं, घबराइए मत, बिल्कुल कीप स्माइलिंग, बी फोकस्ड, बी अटेंटिव, और जहाँ पे लगे कि भाई यहाँ पे मैं बता सकता हूँ बोल सकता हूँ तो बोलो भी, ठीक है। एप्टीट्यूड को एकदम जनरल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ, हमारे साथी भी इफ दे वॉन्ट टू एड एनी पॉइंट इन दिस डिस्कशन दिस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू तो वो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप गौर से सुनो। एप्टीट्यूड ये जैसे एक नेचुरल एबिलिटी कुछ अल्लाह ने हमको दी होती है। कोई अच्छा स्पीकर होता है, क्या होता है, अच्छा स्पीकर होता है, तो उसका लैंग्वेज की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, प्रोनाउंसिएशन पर उसका ध्यान ज़्यादा होता है, ग्रामर पर उसका ध्यान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, उसको अच्छा बोलना होता है। समझ रहे आप मेरी बात। कुछ लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होता है तो उनका मैथ्स की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, कुछ लोग ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनके अंदर इमोशनल ज्यादा नहीं होते, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, तो साइंस की सब्जेक्ट की तरफ उनका ज्यादा ध्यान होता है। कुछ लोगों को दुनिया देखनी अच्छी लगती है, घूमना अच्छा लगता है, जैसे मुझे घूमना ज्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन कहीं गए तो खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है, ये माउंटेन के पीछे इसका क्या नाम है, इसकी हिस्टोरिकल रीजंस क्या है, इसकी तरफ मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, अपनी बात को समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ लोगों को हिस्ट्री की तरफ ज्यादा रुझान होता है, इंक्लिनेशन ज्यादा होता है, तो वो हिस्टोरियन बन सकता है, हिस्ट्री में उसका इंटरेस्ट बहुत होता है, ये कहलाता है एप्टीट्यूड, जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नजर आता है, आपके इंटरेस्ट से नजर आता है, दैट इज एप्टीट्यूड। दूसरा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, वी ऑल आर डिफरेंट, हमारा हर किसी का हर सिचुएशन पर रिएक्शन अलग होगा,
बोलो ना, कुछ तो बोलो, रिएक्शन अलग होगा ना। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो होती है हमारी पर्सनालिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी यहाँ कॉकरोच अगर आएगा तो लड़कियां का क्या करेंगी और लड़के क्या करेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। लड़कियां होके भाग जाएंगी, चिल्लाएंगी, कोई खिड़की पे चढ़ जाएगी, और लड़का क्या करेगा, खाली पैर उठा के चुपके से मार देगा। ना आजू वाले को मालूम, ना बाजू वाले को मालूम, कॉकरोच को मालूम, मारने वाले को मालूम कि उसने मारा करके। सो सी द जो सिचुएशन है वो एक ही है लेकिन रिएक्शंस डिफरेंट है। इसको कहते हैं पर्सनालिटी। ये बहुत मैटर करता है, पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। आपकी पर्सनालिटी क्या है उस पर आपका करियर बहुत डिपेंड होता है। जैसे लिसन कर किसी को सुनना, कुछ लोगों में ये स्किल ही नहीं होती, उनकी पर्सनालिटी सुनने वाली होती नहीं। आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा देश झेल रहा है इसके लिए, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, ऐसा बंदा कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जब सुनेगा ही नहीं तो फिर दवा इलाज क्या करेगा। जैसे एक डॉक्टर था, उसका काम क्या था मालूम है डॉक्टर का, कोई भी उसके पास आता था तो 10-12 पेशेंट को एक साथ जमा करता था। अब कैसे जमा करता था पता है, वो कहता था शर्ट उतारो इधर बैठ जाओ, कोई आया शर्ट उतारो इधर बैठ जाओ, शर्ट उतारो बैठ जाओ। फिर 10 जब जमा हो गए तो कंपाउंडर आके बोलता था सर 10 हो गए, तो आता था फिर एक एक पूछता था हाँ क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुमको क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुमको क्या प्रॉब्लम है, हाँ तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो चौथे वाले ने कहा सर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पोस्टमैन हूँ, आपके लिए लेटर लाया था, आपने सुना नहीं, आपने कहा शर्ट उतारो बैठ जाओ, बैठ गया। तो ये होती है लिसनिंग स्किल्स। ये अगर आपके अंदर नहीं है तो आप टीचर भी नहीं बन सकते, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे ना आपको ग्लिम्सेस देंगे, झलकियां देंगे, बाकी आपको खुद रिसर्च करनी है, इन चीजों को समझना है, अपने आप को इसमें जांचना है। तो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आप कैसे रिएक्ट करते हो। अगर यहाँ पे मैं चक्कर खा के गिर गया और मेरे को देख के आप भी चक्कर, आपको भी चक्कर आ गई, तो आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? नहीं, तो किसी का पेट फाड़ा और खुद ही चक्कर खा के गिर गया तो फिर ऑपरेशन कौन करेगा? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके अंदर इनोवेटिवनेस होना चाहिए, यू शुड बी इनोवेटिव, कुछ तो नया करने की चाहत। उस अगर वो नहीं है तो फिर ITI कोर्स कर लो, डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा करके काम करो, एक पंच दो पंच एक लंच करके घर पे आने का। समझ गया मेरी बात को? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, लेकिन समझने की कोशिश करो। तो पहला पैरामीटर क्या था, जोर से बोलो, जोर से क्यों नहीं बोलते पता नहीं, जोर से बोलो ना, जरा एक साथ मिलकर, एप्टीट्यूड, सब बोलो एप्टीट्यूड। दूसरा पर्सनालिटी, तीसरा इंटरेस्ट, और ये तीन चीजों को ही फाइंड आउट किया जाता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब जो जहीर भाई बता रहे थे ना एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम जो उन्होंने लिया था, वो अब उसकी बारी आई कि एप्टीट्यूड टेस्ट में यही पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी पता चलती है, आप कितने रियलिस्टिक हैं, आप कितने इन्वेस्टिगेटिव हैं, आप कितना एंटरप्राइजिंग है, यानी बिजनेस की कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, ये तमाम चीजें पता चलती है। हम कोशिश करेंगे अगर वो फाइल अभी अगर हम जहीर भाई को दे दें और वो उस वक्त भरा के ले लिया जाए तो अपने लिए 1-to-1 काउंसलिंग के लिए आसानी हो जाए। राइसेक करना चाहिए नहीं, या फिर ये कर लें कि जो स्टूडेंट्स आए उनको हम शेयर कर दें, वो घर पे जाके उसको कर लें, करने के बाद में हम उनको अपॉइंटमेंट दे दें एंड दे कैन कॉन्टैक्ट अस, ऐसा कुछ कर सकते। तो एक एक PDF फाइल हमारे जहीर भाई आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने अपना नंबर दिया है, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ हाँ बोल रहे, हाँ जो दिए जरा हाथ उठाओ, नंबर दिए क्या? नंबर कौन सा नंबर दिया है, मोबाइल का दिया है कि चश्मे का दिया है कि शर्ट का दिया है? फोन का नंबर, फोन का नंबर अगर आपने दिया है तो एक PDF फाइल हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसको भरने का तरीका बताएंगे, और उसको भरने के बाद में हम आपको टाइम स्लॉट भी दे देंगे, उसमें आप कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे आते हैं। इतना तो समझ में आ गया करियर कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अब करियर सिलेक्शन में हमसे मिस्टेक्स क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा हम सलमान भाई के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। करियर सिलेक्शन में मिस्टेक्स क्या होती है, मैं सलमान भाई से गुजारिश करूंगा क्योंकि माशाल्लाह ये IIT चेन्नई से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, नीट के बच्चों को ये पढ़ाते भी हैं, JEE के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसलिए जल्दी से हम लोग
व्हाट मिस्टेक्स वी फ्रीक्वेंटली, जो मिस्टेक हम करते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी सलमान, इनका ध्यान से सुनना मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है। ये प्रूव करता है कि ये अपने करियर को लेकर के सीरियस है। माशाल्लाह, राइट। आप जानना चाहते हैं कि मैं करियर में क्या हूँ, और यहाँ पंडित में आपको के साथ होता है कि अगर हमको ग्रेजुएट दिखा दिए या कुछ भाषण दे रहे हैं, ये सेशन से तो अभी एक घंटा और चलेगा हमारी बातें, फिर आपको सुनना है इंशाल्लाह। एक बात करूँ, इसका फायदा मुझे नहीं होने वाला, मूसा भाई को भी नहीं होने वाला, ये कमिटी को भी नहीं होने वाला, ये एक घंटे का फायदा सिर्फ आपको होने वाला, ठीक है। कोई बेनिफिशियरी यहाँ पर है तो सिर्फ आप। जी, तो मैं मूसा भाई के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। कॉमन मिस्टेक्स, करियर सिलेक्शन मिस्टेक की बात करूँ ना तो बहुत डेंजरस चीज है, पता है क्यों? एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बाइक के बिना हेलमेट के यहाँ से गया मुंबई तक, तो क्या होगा? सही बात है, क्या लगेगा? कितना नुकसान लगेगा तुमको, कितना चलान कटता है? 500 रुपीज। 500 का जमाना चला गया। हाँ हाँ, ऐसा 500 दे के जा सकते हैं, अगर पावती नहीं चाहिए तो। पर चलिए 500 पकड़ लीजिए, यहाँ से लेके मुंबई तक आपको 4 किलोमीटर पड़ रहा है। दूसरा दिन आजकल बहुत स्मार्ट हो गए, पुलिस वाले पहले तो रोकते ही थे, हम तो खाली सेल्फी खींचते थे, सेल्फी खींचते बोलते जाओ जो होगा वो तो पता चल जाएगा, बहुत स्मार्ट हो गए। चलो यहाँ से आप मुंबई बिना हेलमेट करते 500 रुपए की फाइन देंगे, पर मैं आपको बताऊं, ये तो पैसे का नुकसान है। एक गलत करियर सिलेक्शन आपको आपकी जिंदगी के 3 साल में बहुत जिंदगी के 3 साल खराब होते थे। हमने देखे बच्चों के जिन्होंने 10 के बाद या 12 के बाद ऐसा करियर सिलेक्ट कर दिया जो शायद उनके लिए कभी बना ही नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? अपनी अच्छा, हमारी जिंदगी कितनी छोटी सी है। अगर मैं बोलूं आम तौर पर अगर देखो तो आज 50-60-70 में इंसान निपट जाता है, बराबर। कभी कोई सुनते हो कि 100 साल का पहुंचा, 120 साल का पहुंचा, पहुंचते हो गए, पर अगर मुंबई की स्ट्रेसफुल लाइफ में देखो तो 60 साल के इंसान। अब 60 साल की तो जिंदगी है, अच्छा उसमें करियर सिलेक्शन या पढ़ाई का वक्त तो सिर्फ 20 साल ही है, बराबर। 20-22-25 साल उसके बाद तो कोई पढ़ता नहीं है, बस कभी कभी देखे कि भाई कोई बुजुर्ग इंसान जा रहा है कि मैं 10th एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसका करियर खत्म हो गया। इतने छोटे से करियर में क्या हम अपनी जिंदगी की 3 साल वेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम सबसे पहले समझें कि कॉमन मिस्टेक्स हमारे बच्चे क्या करते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो मूसा भाई ने बताई, हम अपने आप को ब्लैक बोर्ड बना देते हैं जी। या चलो मैं एक और मुंबई की लैंग्वेज यूज करता हूँ, हम वो दीवार का कोना बना देते हैं अपने आप को जहाँ सब थूक के जाते हैं, बराबर। और इतने लोग स्मार्ट होते हैं जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना, उस पर जाके थूकते हैं, राइट। तो अपने आप को ब्लैक बोर्ड नहीं बनाना है कि कोई भी आए और कुछ भी लिख के चला जाए। आज मामा आए थे सौली से, बोले भाई इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है तो मेरे को आज इंजीनियर बनना है। आज दुग्गल साहब इंजीनियर है, कल दुग्गल साहब डॉक्टर बनेंगे, क्यों? क्योंकि कहीं गया डॉक्टर की बहुत इज्जत हुई, देखा तो यार डॉक्टर। तीसरे दिन मैं काउंसिलिंग सेशन में आया, मूसा सर को सुना, मूसा सर की कितनी इज्जत है, केमिकल इंजीनियर है। तो कल मैं परसों मैंने सोचा मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा। अपने आप को ब्लैक बोर्ड बनाना नहीं, जो हमारे लिए सही है वो करना है। और एक चीज मैं बताऊं, हमारे सिस्टम ने ना हमको एक तरह से रोबोट बना दिया है, हम जैसा सोचते वैसे ही सोचते। एक गेम खेलते हैं जी, किसी बच्चे को बुला दे, कौन आएगा मेरे लिए वॉलंटियर, कौन आएगा? अजीज नाम है, अच्छा माशाल्लाह। अजीज
मेरे को आज क्राउड की तरफ माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कह दो सुभान अल्लाह एक बार। मैं देखना चाहता हूँ माइक में, बहुत मुश्किल टास्क दे रहा हूँ, तैयार हो, सांस लंबी ले लो, ए टू सेट सुना, ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, यू बी डब्ल्यू तो बोलो, ठीक है बराबर सुना है सबने, बराबर सुना है इसने, सही सही। अब जेड टू ए सुनो, फिजिक्स बायोलॉजी थोड़ा आगे बढ़े
जो जूलॉजी यही सोच रहे, इसी ने सबने कहा थोड़ा हटके सोचो, बहुत सारी फील्ड्स आ गई है मार्केट में, जरा उसके बारे में सोचो। तो जैसे कि सबने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ और फिर डायरेक्ट हम फील्ड्स की बात करेंगे और कॉमर्स और आर्ट्स की बात करेंगे, फिर साइंस की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो जो आपका दोस्त सेलेक्ट कर रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। ये तो वही हो गया फॉलोइंग प्राउड, आप प्राउड को फॉलो कर रहे हैं, आपको प्राउड को फॉलो नहीं करना है। हमको अपने एटीट्यूड को फॉलो करना है, अपनी पर्सनालिटी को फॉलो करना है, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इस डिस्कशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और फिर आपके सामने हमारे साथी इस्माइल भाई होंगे इंशाल्लाह, जो करियर इन कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में कुछ करियर ऑप्शंस आपको बताएंगे। साइंस का लेंगे तो फिर अक्सर अक्सर कॉमर्स और आर्ट्स को टाइम नहीं, कोशिश करेंगे हम टाइम देंगे। तो बात ये कर रहा था, हमारे साथी डॉक्टर इम्तियाज मेमन, अक्सर उनके एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे साथी आज नहीं आए प्रोग्राम में, कुछ उनकी फैमिली मसरूफियत है इस वजह से नहीं आए। उनके भाई हैं इमरान मेमन, आप दोनों को देखोगे ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, इनमें इमरान कौन है और इम्तियाज कौन है, क्वीन से दोनों जुड़वा है, जुड़वा है। मैंने जब पहली बार देखा था ना उन दोनों को एक जगह पर बैठे हुए थे, तो मैं कॉन्टेक्ट में था इम्तियाज के, मुझे नहीं पता था कि इमरान ने एक भाई भी यूज़ करा, मुझे नहीं पता था। जब पहली बार देखा तो मैं सब दिखता रह गया और मुझे वो डायलॉग याद आया, मेरे दोनों बाप। अब इस तरह हो गई फिल्म, एक बच्चा ऐसा देखता रह जाता अपने बाप के जैसे दूसरों को देखता रहता, तो चिल्लाता मेरे दोनों बाप, मैं दिखता रह गया, मैं फर्क नहीं कर पा रहा। फिर वो लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इसमें इम्तियाज कौन है, तो इम्तियाज नाम बताया, मैं इम्तियाज मूसा, भाई क्या हो गया, मैंने कहा फिर ये कौन है, कहा ये इमरान है मेरा भाई है। अब ये बताने का मकसद ये था कि अब दोनों ने करियर कौन सा सेलेक्ट किया, साथ में पढ़े, चल एक घंटे का भी फर्क नहीं था दोनों की पैदाइश में, इम्तियाज छोटा है इमरान बड़ा है, हाफ एन आवर, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन इमरान बना सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड नाउ ही सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, और इम्तियाज बना डॉक्टर डेंटिस्ट। जुड़वा भाई होते भी वी आर डिफरेंट, आप ये बात को समझ रहे, भाई दोनों जुड़वा है, एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही बाप के बच्चे, एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक ही टाइम पे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वी आर डिफरेंट। तो आप दोनों अपने करियर में मास्टर हैं और एक भाई ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है और इम्तियाज खुद का बिजनेस कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस है, उसका का क्लियरिंग चल रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ फील्ड्स का डिस्कशन करते हैं, साइंस के फील्ड पर। जी जी, तो साइंस में जाने से पहले मूसा भाई मैं अपने आज स्टूडेंट्स को कोशिश करूंगा कि कुछ बातें उनके फोकस पर उनको आज भी लानी है। एक बात मैं बोलूँगा, थोड़ा बच्चे उस पर ध्यान दें, मैं आपको कहता हूँ बच्चों प्यार करो, आप बोलोगे प्यार करो किससे, एक चीज से प्यार करो जो है, मैं आज के जो आप टेक अवे करो टेक्नोलॉजी से प्यार, किसे प्यार करो, घर पे जाओ मम्मी को बोलो मेरे को प्यार हो गया, क्या हो गया, पर मम्मी बोले यार सुना टेक्नोलॉजी, बोली ये को देखो टेक्नोलॉजी मतलब क्या, लर्न टेक्नोलॉजी, या अगर इंग्लिश में बोलूं तो लव टेक्नोलॉजी। क्यों मालूम, क्योंकि हमारे फ्यूचर के जितने भी चैलेंजेस आने वाले हैं या पहले भी जितने भी चैलेंजेस थे उनका सलूशन टेक्नोलॉजी के पास है। पता है कैसा, और एग्जाम्पल, पहले मुझे यहाँ से मुंबई जाना, माई फॉर एग्जाम्पल बांद्रा जाना, क्या करना पड़ता था, टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था, 10 मिनट कोई धक्का दे रहा है, कभी लाइन में नंबर आते आते वो काउंटर हो गया, पर उसका सलूशन एक चीज़ में से निकाल के लिया है जिससे हम कहते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आज मुझे टिकट बुक करना, मैं यहीं से बुक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लाइफ आसान हो गई। चलो ट्रेन से नहीं जाना है मुझे, कैब से जाते हैं या रिक्शा से जाते हैं, रिक्शा जाती है यहाँ से मुंबई, बिल्कुल जाती है, तो पहले रिक्शा वाले को जा जाके एक ही को पकड़ पकड़ के पूछना पड़ता था, भाई जाओगे बॉम्बे, भाई जाओगे बॉम्बे, वो तो नहीं जाता बराबर, 10 रिक्शा वाले को हमें अप्रोच करना पड़ता है। पर आज के समाज में अब हमारे पास आ गई है क्या चीज़, टेक्नोलॉजी, मैं एक मिनट में ओला बुक कर सकता हूँ, ऊबर बुक कर सकता हूँ, ड्राइवर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, किसने ये चेंज लाया,
किससे प्यार करना है, भूख लगी है। पहले होटल ढूंढना पड़ता था, होटल वाले का नंबर होता था नहीं होता था, फोन लगाया, उसने ऑर्डर भेजा, क्या क्या ऑर्डर दिया, उसने कभी कभी क्या भेज दिया, बराबर। चिकन बिरयानी मंगाई, उसने पनीर बिरयानी भेज दी, राइट। आज के जमाने में मुझे ऑर्डर करना है तो फिर से क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी। हमारे डे टू डे चैलेंजेस को सॉल्व करते जा रही है क्या? हमारे मूसा सर अल्हम्दुलिल्लाह हज को जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। 25 साल पहले, 30 साल पहले लोग हज को जाते थे तो कैसे जाते थे? शिप से जाते थे, बराबर। उसमें फिर रिजेक्ट हो जाते थे तो बोलते थे मुबारक हो तुम सब तो हज का महीना, नहीं मेरी किस्मत में एक मदीना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना। लबैक अल्लाहुम्मा, कहो सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह जी। तो आज से 30 साल पहले जो हज को जाते थे लोग, तो कैसा था, शिप में जाते थे, कितने दिन लगते थे? 8 दिन। सुना है नहीं सुना है? 8 से 9 दिन लगते थे। फिर जब वो जिद्दा पहुंचते थे मूसा सर, तो वहां से मक्का जाने में भी उनको ऐसा नहीं कि क्या बस खड़ी है एसी वाली, नहीं, वहां से फिर कभी कैमल पे जा रहे हैं, कोई टांगे पे जा रहा है, जाते जाते कम से कम लोग कहते हैं कि 13 से 14 दिन वहां से लगते थे, टोटल 15 दिन तो मिनिमम बॉम्बे से लगते ही लगते थे, इसीलिए वो रमजान के बाद ही निकल जाते हैं। अब इंशाल्लाह मूसा सर जाएंगे 7 तारीख को, हम सब 7 तारीख तो यहाँ से बैठेंगे तो 4 घंटे में जिद्दा पहुंचेंगे। 2:30 बजे में जिद्दा में पहुंचूंगा और इंशाल्लाह 6:30 बजे तक जी मक्के में पहुंचूंगा। या बॉम्बे से अगर सुबह 10 बजे भी स्टार्ट करें तो 2:30 बजे तक पहुंचेंगे। कैसा पहुंचेंगे वापस, वही चीज, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, एविएशन टेक्नोलॉजी, प्लेन आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक प्लेन कितनी स्पीड पे चलता है? 400, ओके, और 400 यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, 400 कदम, 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अच्छा जवाब है। और कोई जवाब, सॉरी 800 किलोमीटर जी, रफली आपका जवाब सही है। एक प्लेन एक घंटे में 800 से 1000 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है, डिपेंडिंग ऑन कितने हाइट पर। मैं आपको एक बात बताऊं, आज अच्छा मैं मुझे एक बात बता, से 50 साल पहले कोई इमेजिन भी कर सकता था कि एक घंटे में 800 किलोमीटर को जा सकता है? 800 किलोमीटर एक घंटे में, चलो हाई स्पीड पर भी तो 1000, ये तो कमर्शियल प्लेन की बात है, तो फाइटर जेट से लोग कितनी स्पीड पे चलते हैं, सुना है कितना, स्पीड ऑफ साउंड को भी क्रॉस कर सकते हैं, उसको वर्ड कहते हैं हाइपरसोनिक, क्या कहते हैं, आज फाइटर प्लेन्स 2,500 किलोमीटर पर आवर से लेकर 3,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, कैसा पॉसिबल है, कैसा पैसा पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी, राइट। 2,500 किलोमीटर की स्पीड आप समझते हो, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली जाना है ट्रेन से ज्यादा तो 24 घंटे लगते हैं। अगर आप हाइपरसोनिक में मिसाल के तौर पर मूसा भाई को बिठा करके यहाँ से मैं हज को भेजूंगा तो 40 मिनट के अंदर जिद्दा में होंगे, किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो जो भी टेक्नोलॉजी उससे एसोसिएटेड है उसमें क्या करना, उसको क्या करना है, कुछ तो बोलो, सीखना है, सिर्फ प्यार नहीं करना, सीखना और तो सिर्फ प्यार नहीं रह जाओगे दिलदास करके, वैसा नहीं, उसको सीखना भी। तो चलिए साइंस की इसको हम डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ। साइंस जो स्ट्रीम है इससे मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा बच्चे जो स्ट्रीम के जरिए जिस करियर में जाते हैं उसमें पहला क्या है, डॉक्टर, मेडिकल, एम आई राइट, कुछ तो बोलो यार, इतना डरते क्यों हो, यस और नो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो, डरो मत, जवाब दो अच्छी तरह से,
सबसे पहले मेडिकल फील्ड में हम जाते हैं साइंस के लिए, उसका मेथड क्या है। 11 12 आपने किया, 11 12 करने के बाद में मिनिमम 50% आपको स्कोर करना है, नीट का एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद में उसका जो भी परसेंटाइल या जो भी स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। हमारे बच्चे अक्सर सब एंट्रेंस एग्जाम से डरते हैं, एंट्रेंस एग्जाम से बहुत डरते हैं, बिल्कुल डरना नहीं। अगर सर मैं तो बोलता हूँ डरना चाहिए, डर के आगे मेहनत है और मेहनत के आगे जीत है। तो अगर आपने जो बोला कि डरना नहीं चाहिए तो उसको जो मेहनत करना है, हाँ, तो डरने से बात सर ये है कि बैठते ही नहीं है एंट्रेंस एग्जाम, उसकी तैयारी नहीं करते, ऐसा मत करो बेटा। याद रखो या तो अभी तकलीफ ले लो या जिंदगी भर तकलीफ लेने के तैयार हो। और मैं समझता हूँ कि ये जो एज है ना इसमें तकलीफ लेना आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे की एज में भारी पड़ेगा। तो अगर आपने फॉर्म डिसीजन लिया है डॉक्टर बनने का तो माइंडसेट बना लो इसे कि मेरे को नीट के एग्जाम की तैयारी करनी है और वो आपको 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देगी, याद रहेगा। अच्छा अब अगर मान लीजिए कि सब डॉक्टर बन जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम इसीलिए रखा है ताकि फिल्ट्रेशन होकर वही डॉक्टर बने जो उसको डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जा सकते हैं जिसके लिए नीट की जरूरत नहीं होगी। 12th के मार्क्स के बेसिस पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसके जरिए आप मेडिकल कॉलेजेस में वो कोर्स करके आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज वो कौन से होते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, उसके बाद में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट जो MRI वगैरह कराता है, ये भी बहुत अच्छी फील्ड होती है, इस पर भी आप जा सकते हैं। अभी आपको मैं इसका प्लस पॉइंट बताता हूँ, अगर 12th के एग्जाम में नीट में आपके मार्क अच्छे नहीं आए, इन केस अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि आप इतना नीट एंड क्लीन पेपर भी लिखें और इतने अच्छे से तैयारी करें कि नीट में आपके मार्क्स अच्छे आए, कोशिश तो ये करनी कि अच्छे आए मार्क्स, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता नहीं होता तो आजकल डिप्लोमा इन पैरामेडिकल भी निकला है, बहुत सारे कॉलेजेस हॉस्पिटल्स में स्पेशली हॉस्पिटल्स में कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, ये भी है और इसमें ग्रेजुएशन भी आ गया। जैसे अभी मैं जा रहता हूँ घाटकोपर में झुंझुनवाला कॉलेज, इस कॉलेज में अभी एक साल हो गया BSc इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो MRI करते हैं ना रेडियोलॉजिस्ट का जो काम होता है उसमें ग्रेजुएशन हो रहा है। तो वो ग्रेजुएशन होने के बाद में अगर आप उसमें मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स कर लेने के बाद अगर उसका डॉक्टरेट करते हैं, PhD करते हैं, तो आप सिर्फ एक हॉस्पिटल में एप्रन पहन के रेडियोलॉजिस्ट के तौर पे काम नहीं करेंगे बल्कि इसके जरिए आप R&D की फील्ड में भी जा सकते हैं। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में चाह है ना तो मुझे कुछ बड़ा करना है तो गवर्नमेंट ने कई रास्ते खोल दिए, आपको सिर्फ सर्च करना और आगे बढ़ना, हाईली क्वालिफाइड होने की कोशिश करना। तो मेडिकल में जाने का तरीका क्या है, 11th देने के बाद में नीट देना है, नीट देने के बाद में मेडिकल में आपका एडमिशन होगा, MBBS टॉप मोस्ट, उसके बाद PHMS, उसके बाद नॉर्मली BUMS, BAMS, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। डेंटिस्ट को अलग पकड़ा जाता है जिसको हम BDS कहते हैं, फिजियोथेरेपी को अलग पकड़ा जाता है जिसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, और फिर जो जानवरों का डॉक्टर होता है जिसको वेट कहते हैं, है ना, वेट कहते हैं जिसको, इसका भी अलग कोर्स होता है, लेकिन ये सब भी नीट का जो मार्क्स होता है जी। और उसका सर मैं एक बात बताऊँ, जो जानवरों के डॉक्टर को बहुत कम ट्रीट करते हैं, हाँ मैंने देखा है, जबकि इसमें बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है और सर बहुत पैसा भी है, पैसा भी बहुत, कई बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, एक कुत्ता बीमार हो जाता है तो 50,000 रुपए खर्चा करते हैं डॉक्टर को, आपको सोचो एक कुत्ते को एक इंजेक्शन लगाने के 50,000 रुपए, या हमारे बच्चे तो कुत्ते को पत्थर लेके पैर से ही सही कर देंगे हमारे बच्चों को तो हमने देखा है गिलगेट को भी सही कर देते हैं, आपने भी देखा होगा। तो हमारे वो बच्चे जो कुर्बानी के टाइम पर बकरों को लेकर घूमते रहते हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको साफ करना, उनको धोना खाना, है ना, उनका ख्याल रखना, उनके लिए बिस्तर लगाते हैं, सुलाते हैं, खिलाते पिलाते, ऐसे कुछ बच्चे अपने माशरे में आपने देखा होगा कि कुर्बानी से एक हफ्ता पहले का पत्ता लेकर आ जाए। तो उन बच्चों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए, शायद वो जानवरों का अच्छा डॉक्टर बन सकता है और किसी अलग रूरल एरिया में जाकर या किसी और एरिया में जाकर या विद इन मेट्रोपोलिटन सिटी में रहकर भी वो अच्छा करियर बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और डिमांड
ज्यादा है, लोग बन नहीं रहे हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसमें आप जा सकते हैं। बाकी टेबल पर जब हम बैठेंगे साथ में तो इसको मजीद इसको डिस्कशन हम करेंगे। तो मैंने पैरामेडिकल आपको बताया, मेडिकल में नॉर्मल मेडिकल कोर्सेज बता दिया, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल भी मैंने आपको बता दिया। डिप्लोमा इन पैरामेडिकल करके आप अगर मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, डिप्लोमा इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी अगर आपने किया 2 साल का कोर्स हॉस्पिटल्स में होता है नॉर्मली, आपने किया और एक कॉलेज में बीएससी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, तो आपको इस डिप्लोमा के बेसिस पर सेकेंड ईयर बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप सिर्फ डिप्लोमा नहीं रहोगे बल्कि आप ग्रेजुएट हो जाओगे। आप बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रहे हैं, काउंसिल को नहीं जा रहे हैं, नो वर्क की डिमांड को नहीं करोगे। तो इसको और से सुनो और समझो। ये दिस वाज अबाउट मेडिकल फील्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंजीनियरिंग फील्ड एंड आई थिंक सलमान पेटीवाला इज द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन अबाउट इंजीनियरिंग फील्ड। जी तो इंजीनियरिंग के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, यार इतने खामोश बैठे हो, बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। सही भाई ने बहुत डरा के बुला लिया इनको कि आना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, बोल जो बोलेगा वो खाएगा पीछे से फटका। तो ऐसा मत करिए, जरा एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और अच्छे जोर से बोलो। तो बच्चों बोलो, चलो जी इंजीनियरिंग के बारे में सुना है, कौन सी इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता है? जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, सिविल इंजीनियरिंग था, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हाँ सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो हार्डवेयर बोल लेंगे ना, बोलो। और केमिकल इंजीनियरिंग थी ना, केमिकल वंडरफुल। बस चार पांच, ये टेबल पे शायद चार पांच इंजीनियर बैठे हैं, बराबर। हाँ और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वेरी गुड। और चलिए मैं कुछ नाम इंजीनियरिंग के आपको बताऊँ, ठीक है? नोट की मतलब पेंसिल ही दिमाग में नोट, ताकि आपको कम से कम आइडिया ब्रॉड हो। जैसे मिसाल के तौर पर मूसा भाई ने बताया अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, वैसे अलग अलग तरह के इंजीनियर होते हैं। ठीक है शुरू करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एविएशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग। इसके अलावा आजकल ले आया है एआई इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और पता नहीं कितनी सारी, मोर देन 100 फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग आर देयर। जी तो अगर कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर मेरे को इंजीनियर बनना है 12th के बाद, तो मेरा सवाल ये होता है बेटा कौन सा, क्योंकि इंजीनियर तो बहुत सारे, राइट? तो जरूरी ये है कि हमें सबसे पहले कोई ब्रांच लेने से पहले पता तो हो कि कौन सी ब्रांच में कितनी अवेलेबल है, तभी आप जाके ढूंढेंगे। हाँ तो इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो उन बच्चों को इंजीनियरिंग लेनी चाहिए जिनका दिमाग इनोवेशन की तरफ, डिस्कवरी की तरफ, कुछ नया सीखना है, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाना है। एक आपको विजन देगा, ड्रोन के बारे में आपने सुना है? किस किसने ड्रोन देखा है? ड्रोन, ये भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रोन की बात कर रहा हूँ। अरे आपको कोई नहीं देखा ड्रोन? देखा है। क्या करता है ड्रोन? शादी का फोटो खींचता है, यही करता है, यही करता है आजकल तो, यही करता है, बराबर। और कहीं देखा ड्रोन? लॉकडाउन में देखे पुलिस वाले देखते थे क्या कर रहे थे, फिर जिस इलाके में लोग देखने वाले के डंडे मारते थे, तो बेसिकली वो ड्रोन ने हमारी जिंदगी खराब कर दिया था। और मिलिट्री में देखा, और क्या बोले आप पीछे को ड्रोन भी देखा है? नहीं देखा? अच्छा बात है, देखो। हाँ तो अब तो ड्रोन तो मैंने यही देखा है कि भाई शादियों में फोटो खींचने का काम आता है, बारात में दूल्हे दुल्हन की फोटो खींच रहे हैं, पर वो सिर्फ ड्रोन का काम नहीं, ड्रोन का काम बहुत ज्यादा है। मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ, आज से 10 साल की बात हो, इंजीनियरिंग की बात की ना, इंजीनियरिंग में एक और इंजीनियरिंग आती है जिसका नाम है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। कौन सी? रोबोटिक्स। अब अगले 20 साल के बाद हमारे घर में ड्राइवर नहीं होगा, अब लोगों का ड्राइवर अभी पता होगा। अच्छा 20 साल के बाद इंशाल्लाह जब मैं पनवेला होगा तो या ऑटो, ऑटो जब स्टेशन के पास ऑटो आएगी तो उसमें ड्राइवर भी होगा, रोबोट होगा या वो सेल्फ ड्रिवन होगी।
मेरी रोबोट रिक्शा बुक करूंगा। कौन सी रिक्शा? हाँ रोबोट रिक्शा। मैं आऊंगा, नंबर आ जाएगा, रिक्शा के सामने खड़े हो जाएंगे। अब रिक्शा का दरवाजा खुलेगा नहीं, ऐसा तो कोई बैठ जाएगा, मोबाइल पे ओटीपी होगा, मैं वहाँ पर एक ओटीपी डालूंगा, दरवाजा खुलेगा, अंदर बैठूंगा आराम से, एसी चालू होगा, सामने जो भी पानी वानी रखा होगा, कुछ खाने पीने की चीज़ रखी होगी, जो भी मेरे को ऑर्डर करना है उसको पहले से पहुँच दूंगा, आराम से बैठूंगा, टेका लगा के एसी चालू रहेगा। और ऐसा भैया यहाँ से लेफ्ट लेना, भैया यहाँ से राइट लेना, ये करने की जरूरत नहीं है। जीपीएस लोकेशन से मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ट्रैक होगा 20 साल के बाद, वो आराम से रोबोट चलाएगा, सेल्फ ड्रिवन होगी, ऑटो ड्रिवन होगी, और वो जा करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, दरवाजा कभी खुलेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, अपनी जगह मजा आया ना। हाँ ये बात रिक्शा वालों को आगे पता चले, लोग डर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉसिबल क्यों होगा, इसकी वजह से इंजीनियरिंग, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको 10 के बाद 3 सब्जेक्ट देने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसको कहते हैं PCM, और आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दो तरह के, दो तरह तरीके से इंजीनियरिंग की जा सकती है, एक तो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज के भी, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है, शायद न्यू मुंबई यूनिवर्सिटी भी होगी, अभी यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी चल रही है, तो अलग अलग स्टेट की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वही इंजीनियरिंग होती है। एट द सेम टाइम आप अगर नेशनल लेवल कॉलेजेस जैसे IIT से अभी आपको इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग वही होती है, पर आप वहाँ से भी जाकर के इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके लिए कल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है JEE मेंस और JEE एडवांस, ठीक है। इंशाल्लाह काउंसलिंग की अगर किसी को डिटेल चाहिए तो यहाँ भी बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरी आप सब बच्चों से गुजारिश है कि एंट्रेंस एग्जाम से डरो मत, उसको अटेम्प्ट करो, बैठो, और एक चीज़ याद रखो बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम में वही पढ़ाई होती है जो आपके 11th 12th में हुई, उससे थोड़ा सा एडवांस होती है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होता, उससे डिफरेंट नहीं होता। तो अभी इससे कल एक बच्चे से मेरी बात की, कल 2 दिन पहले एक टीचर का बेटा था, नंदूरबार टीचर का बेटा था, जब मैंने बात की, मैंने पूछा बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आपको क्या बनना है, तो उसका विजन क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा कल दे दिया कहाँ, तो नीट का एग्जाम का सर सॉरी मैंने फॉर्म भरा ही तो क्यों नहीं भरा फॉर्म, नहीं बोला मैंने 12th कर लेता हूँ फिर नीट के अलग से बैठ के तैयारी करूँ, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस वही है, आप नीट की पढ़ाई करते हो ना उसमें आपकी 11th 12th की स्टडीज कवर हो जाती है, कवर हो जाती है, खाली जो मोड ऑफ एग्जाम वो डिफरेंट है, यहाँ MCQs होते हैं और यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है, यानी आपको आंसर लिखना होता है 11th 12th में, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ पर MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, खाली यही डिफरेंस होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने की कोशिश कीजिए। फिर एक और डर बच्चों में ये होता है कि JEE बहुत डिफिकल्ट है, मैं काम करता हूँ CET ले लेता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप JEE की तैयारी करोगे ना तो CET इजीली ले लो, लेकिन CET की तैयारी करोगे तो शायद उसमें भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो JEE का प्रिपरेशन करने की कोशिश करें, JEE एडवांस, JEE मेंस जो भी होता है उसकी डिटेल इंशाल्लाह आपको सलमान भाई से डिटेल में मिल सकती है। आप इंजीनियरिंग में जाने के डिफरेंट रूट्स हैं वो आपको जल्दी से बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपने अभी 10th स्टैंडर्ड में ही फॉर्म डिसीजन ले लिया है कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है, पहले तो अपने मन से इस बात को निकाल दो कि इंजीनियर के लिए जॉब नहीं है। शुरू में सलमान भाई ने क्लियर किया था, जॉब हर किसी के लिए, अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, ये आपका लुकआउट नहीं है कौन सी फील्ड में अपॉर्चुनिटी है कौन सी फील्ड में नहीं है, स्कोप कौन सी फील्ड में है कौन सी फील्ड में, ये लुकआउट गवर्नमेंट का है जो कोर्सेज चला रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। अगर गवर्नमेंट पर्टिकुलर कोर्स चला रही है इसका मतलब स्कोप है, अगर स्कोप नहीं होगा तो गवर्नमेंट खुद उसको बंद कर देगी, क्योंकि कितनी सीट्स पर एडमिशन देना है, नीट पर कितनों को है, JEE पे कितने को एडमिशन है, मैनेजमेंट कोटा पे कितनों को एडमिशन होगा, ये सब डिसीजन किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, बोर्ड का होता है। तो आप उसका टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप टेंशन ये लो कि मुझे बेस्ट बनना है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आप यहाँ से रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, इसको सुन सुनो और उस पर मेरे को जवाब देना। रास्ते में एक शख्स से हाथ पढ़ाया पैसा मांगने के लिए, लेकिन हट्टा कट्टा नौजवान है, और आप जाते जाते आपने देखा था कि अभी खड़े हो गया सब बुक मार रहा था,
और जैसे ही आपको देखा तो ऐसा हाथ रख लिया और एक हाथ आगे बढ़ा दिया, आप उसको 2 रुपए देंगे क्या? जवाब दीजिए ना, मुंडे इलाके नहीं आया ना, नहीं अम्मी अगर देगा अम्मी रुको नाटक कर रहा है चर्सी कहीं का जाके चरस पिएगा, इससे अच्छा मत दो इसको। लेकिन वही कोई सच में अगर मजबूर है तो दे देंगे आप 2 रुपया देने में भी आप देखते हैं कि बंदा डिजर्विंग है कि नहीं, याद रखो इस पॉइंट को, डिजर्विंग है कि वो है कि नहीं। हम लोग है ना डिमांडिंग बनते हैं, डिजर्विंग नहीं बनते। हम लोग ये बोल रहे हैं मेरे को जॉब दो, जॉब आप इतना काबिल बनो कि आप जॉब आपके पास आए। जैसे इनको देखो ये सलमान पेटी वाला सर, आईआईटी से इन्होंने अटेंड जब किया, इनको रिज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज मास्टर्स ही वाज सिलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर कंपनी, सेलेक्ट हो गए थे वो, ऐसा बनने की कोशिश की। इसीलिए आज के दौर में बच्चों और पेरेंट्स दोनों बात को गौर से सुने, आप कोई भी कोर्स करो, कोई भी स्ट्रीम चुनो, क्या कर रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहां से कर रहे हो, याद रहेगा निकला इंशाल्लाह। क्या कर रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कहां से कर रहे हो। इंजीनियरिंग कोई मानमन कॉलेज से आप करो और वही इंजीनियरिंग आप आईआईटी से करो, देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। अब हमारे बच्चे बोलते हैं वहां भी पढ़ाई होगी यहाँ भी पढ़ाई होगी, बेटा बहुत फर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है, स्टाफ का फर्क है, अपॉर्चुनिटीज का फर्क है। अभी चंद साल पहले ना परेल में एक ब्रिज है, लालबाग का ब्रिज जो था कुछ दिन के लिए बंद था, क्या हुआ था कुछ क्रैक्स नजर आए, ब्रिज बंद कर दिया गया। उसके इंस्पेक्शन के लिए कौन आया था पता है? कोई तो बहुत एक्सपीरियंस इंजीनियर आया होगा, नहीं, आईआईटी के स्टूडेंट्स आए, उन्होंने आके इंस्पेक्शन किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट के बेसिस पर उसको पैचअप किया गया, उसका काम किया गया। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी इंजीनियर्स एंड नॉर्मल कॉलेज इंजीनियर्स। ऐसा हर फील्ड में कोई एक बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है, उस इंस्टीट्यूट के लिए काबिल अपने आप को बनाना है और वो इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेना। तो इंजीनियरिंग के का पहला रूप मैं आपको बताता हूँ, 10वीं के बाद में अगर आपने एक फॉर्म डिसीजन ले लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लो। इसमें बोले भी तो कैसा समझेगा, समझ जाएगा, इसमें एडमिशन लो और जोर से बोलो क्या होता है पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, ये डायरेक्ट आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दे देगा। हाँ, और सब फील्ड्स पॉलिटेक्निक में कोर्सेस नहीं होते, जैसे मरीन इंजीनियरिंग आपको पॉलिटेक्निक में नहीं मिलेगा, इसी तरह से एविएशन इंजीनियरिंग भी आपको पॉलिटेक्निक में नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं जो आपको पॉलिटेक्निक में मिलने वाले नहीं है, उसके लिए आपको 12th ही करना पड़ेगा, 12th के बाद JEE देना पड़ेगा, ये सब देखे ही आपको उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम फील्ड्स डिप्लोमा में आपको मिल जाए, आप अगर 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको शुरू से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मिल गया। नॉर्मल बच्चे 10वीं के बाद जब कॉलेज में जाते हैं ना बहक जाते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बैक कंपनी मिलती है तो व्यू चेंज हो जाता है, विजन चेंज हो जाता है, उसका डर नहीं हो, आप डायरेक्ट डिप्लोमा में चले। 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में लैटरल एडमिशन डिग्री के सेकेंड ईयर में आपका हो जाता है, तो आपको JEE देने की जरूरत नहीं पड़ी, CET देने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट डिग्री के सेकेंड ईयर में आप आ जाते हैं। 3 साल का डिग्री सेकेंड ईयर में आ गए, 3 साल डिग्री की आप इंजीनियर हो गए, एक रूप ये। दूसरा रूप जो टेट JEE CET वगैरह के एग्जाम का सर ने बताया। तीसरा एक नया रूट आया है जिसको आपको गौर से सुनना है, और वो रूट कहलाता है बैचलर ऑफ वोकेशन। ये एक नई डिग्री आई है, बैचलर ऑफ वोकेशन नहीं है, बैचलर ऑफ वोकेशन। ये कोर्स ऐसा होता है, ये पनवेल के कालसेकर में है, ये कोर्स पनवेल के कालसेकर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है और डेटा साइंस में, ये 3 फील्ड्स में है। इसमें क्या होता है कि आप 12वीं से पकड़ लें, कॉमर्स होने दो, आर्ट्स होने दो, साइंस होने दो, इतना फ्रीडम देखो, गवर्नमेंट ख्याल रखती है, आपके अंदर चाह होनी चाहिए, अगर आपके अंदर चाह है ना तो इस तरह से गवर्नमेंट रास्ते दे देती है कि आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशन में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, ये एक ऐसा कोर्स है गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ कि इसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। एग्जिट पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 4 साल का, 2 साल के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या मैं इंजीनियर कहलाऊंगा? कुछ तो बोलो यार, आया ना तो बोलो, नहीं कहलाऊंगा क्योंकि 2 साल में छोड़ दिया।
लेकिन बैचलर प्रोफेशन में अगर एक साल करके आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा हमको मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। दो साल का करके छोड़ देते हैं तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर तीन साल का करके आप छोड़ देते हैं, तीन साल में कोर्स ही कम्प्लीट हो गया, तो आपको डिग्री के थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, डिग्री के थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। याद रहेगा, अच्छा याद रहेगा। तो ये प्री एंट्री पॉइंट्स थे इंजीनियरिंग के जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेस होते हैं, इसकी भी बहुत डिमांड होती है कि आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद में बीएससी केमिस्ट्री कर ली, बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपने बीएड कर लिया या एमएससी कर लिया, एमएससी करके आपने बीएड कर लिया, तो आप किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में स्कूल में एज अ प्रिंसिपल आप लग सकते हैं। नेट सेट दे दिया आपने मास्टर्स करने के बाद में, एमएससी करने के बाद में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बेसिस पर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो गवर्नमेंट कोटा पर, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, वो भी अच्छी हैंडसम सैलरी होती है। तो ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे स्कोप है। बीएससी करने के बाद आप एमएससी भी आईआईटी से कर सकते हो, अगर आपको एमएससी करनी है अच्छे कॉलेज से तो आप आईआईटी से एमएससी भी कर सकते हो। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बीएससी, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इसी तरह से फिजिक्स है, और अभी जो नए इमर्जिंग बीएससी आ गया वो भी मैंने आपको बता दिया। बीएससी नर्सिंग भी है, बीएससी नर्सिंग ऐसा कोर्स है जिसमें हमारे लड़की ये सोचते हैं कि नर्स मैं कैसे बनूंगा, नर्स तो लड़की बनेगी, लेकिन बेटा मेल नर्स की भी बहुत डिमांड है। फीमेल नर्स आपको हॉस्पिटल में नजर आएगी, लेकिन इंडस्ट्रीज जो होती है इंडस्ट्रीज, वहाँ पे फीमेल नर्सेस नहीं होती, वहाँ मेल नर्स होती। मिलिट्री में भी मेल नर्सेस की बहुत डिमांड होती है, इस कॉर्पोरेट में भी मेल नर्सेस की बहुत डिमांड होती है। इसी तरह से आप बाहर जाओगे ना, बाहर की कंट्रीज में मेल नर्स की बहुत डिमांड होती है, स्पेशली गर्ल्फ कंट्रीज में। तो लड़का भी नर्सिंग में अपना करियर बना सकता है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। जी, कॉमर्स और आर्ट्स वाले बुरा मान जाएंगे। जी, तो कॉमर्स और आर्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब तक का सेशन कैसा लगा आपको? तो कैसा लगा? ठीक रहा ना? माशा सर, आप ना कैसे बोलो सुनाने में, ये ठेंगा है या अच्छा है? क्योंकि शायद हमारे टाइम पे ठेंगा ही था नहीं, ऐसा बोलते ठेंगा दिखा रहा है, लेकिन अभी तो गुड के लिए है ठेंगा, तो हम सब है ये। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जल्दी से कॉमर्स और आर्ट्स की जो फील्ड्स हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने इन्वाइट करता हूँ मोहम्मद इस्माइल साहब को, जो एम बी ए इन फाइनेंस तशरीफ लाएंगे और कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड के बारे में बताएंगे, फिर कुछ मिसलेनियस फील्ड्स हम देख लेंगे और उसके बाद पर्टिकुलर काउंसलिंग का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने सुना कि साइंस में क्या क्या ऑप्शन है, साइंस और करियर किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉमर्स किसे सेलेक्ट करना चाहिए? तो एक सिंपल से सिंपल वर्ड में बोलूँगा कि कॉमर्स हर वो बच्चा सेलेक्ट कर सकता है जो मैथ्स में भी है, मतलब मैथ्स में अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है और मैनेजमेंट में अच्छा है, मतलब ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना जिसको अच्छा लगता है। देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स में स्पोर्ट्स होते हैं तो भले से वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट वो पीटी सर के साथ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, जैसे लिस्ट बनाना, क्या क्या प्राइस रहेगा, फर्स्ट प्राइस क्या रहेगा, सेकंड प्राइस क्या रहेगा, उसे किस तरह से रखना है, ऑर्डर ऑफ गेम्स के ऑर्डर्स क्या होंगे। तो अगर ऐसी क्वालिटीज आप में हैं तो आप कॉमर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब चैलेंजेस कॉमर्स में, कॉमर्स स्टूडेंट जब ग्रेजुएट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आज हम लोगों के पास आ रहा है कि हम लोगों को करियर ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। मैक्सिमम लोग या तो पीपीओ ज्वाइन कर रहे हैं या कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम हमारे लोग जो एक ट्रेंड चल रहा है या तो किसी पीपीओ में लग रहे हैं या आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं या मैक्स टू मैक्स बैंक में जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि हम लोगों ने कॉमर्स को बहुत, इवन आर्ट्स को बहुत छोटा समझा है या बहुत कम ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं लेटेस्ट बताऊँ, कॉमर्स के थ्रू मैं एक बंदे को जानता हूँ जो एज अ पार्ट
स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उसका काम सिर्फ ये है कि वो या तो ड्यूरिंग लाइव मैचेस में और वो एक अलग फील्ड मतलब स्विमिंग के जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना उसमें या तो वो लाइव मैचेस में अपना एनालिसिस करे या रिकॉर्डेड वीडियोस पे वो एनालिसिस करे। तो ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम सिर्फ कॉमर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमर्स में ऑप्शंस क्या होते हैं। तो एक जो होता है एक आता है ट्रेडिशनल कोर्सेज बीकॉम और एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं जैसे CA CS CMA ये क्या होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझा कि कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमको बताओ कॉमर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम कि हम जॉब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है, कॉमर्स में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कोर्सेज में जाते हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज में सबसे पहला क्या आता है बीकॉम, क्या आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसमें पहले ये होता था कि ये 3 साल ऐसे ही चलते थे बट अब ये 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो गया है, ये सेमेस्टर वाइज हो गया है। पहले ये सेमेस्टर वाइज नहीं था, अब आपको हर सेमेस्टर पास करने होते हैं और हर सेमेस्टर के ग्रेड के हिसाब से आपके फाइनल जो डिग्री का ग्रेड है वो कैलकुलेट होता है। इसमें आगे बीकॉम में थोड़ा स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने लाया, यूनिवर्सिटीज ने लाया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया BBA BBA बैचलर ऑफ बैंकिंग और इसको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। सो ये सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं इन ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन बीकॉम भी कर सकते हो, BMS में भी जा सकते हो, BBA में भी जा सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी जा सकते हो और आप BCA में भी जा सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट इसमें एक चैलेंज ये है कि अगर आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लेना है तो 12th में आपको मैथ्स कंपलसरी। और अभी पहले ऐसे होता था कि BMS वगैरह के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने पड़ते थे बट अभी आपको BMS BBA BAB और के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये सब कोर्सेज हैं जो मैंने ब्रॉडली बताए कॉमर्स में और भी इन डिटेल हम लोग 1-on-1 में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आर्ट्स, आर्ट्स में हम लोगों का एक ये है कि आर्ट्स भाई कुछ नहीं कर रहा है, आर्ट्स कुछ भी नहीं हुआ है, परसेंटेज कम आया है तो चलो एक काम करो आर्ट्स ले लो, ऐसा नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताऊँ, आर्ट्स में एक मतलब एक लेडी है जो मेरे साथ काउंटर पार्ट में काम करती है और वो है दुबई में। तो ऐसे ही डिस्कशन मुझे उनसे मैंने उनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा आपने क्या किया, तो उन्होंने मुझे सिंपली बोला मैंने सिर्फ किया है BA इन हिस्ट्री और वो कुछ उन्होंने 90s के एंड में तो अराउंड 2000 किया था। फिर मैंने उनसे पूछा आपने फिर क्या किया, तो उन्होंने बोला मैंने बैंकिंग में इंटरेस्ट है कि बट मैंने छोटा सी कोर्स उसका इंटरेस्ट होगा था वो जिसको लोग CGCS बोलते हैं सर्टिफाइड कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट, बस इतना ही किया। तो मैंने उनसे पूछा ये क्योंकि आपने तो फिर का मुझे हिस्ट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट था, हिस्ट्री एंड लिटरेचर में मुझे इंटरेस्ट था उसने कर लिया। अब उसका बेनिफिट उनको क्या मिला है पता है, आप इमेजिन नहीं करोगे कि इमिरेट्स बैंक वो सऊदी का बहुत बड़ा बैंक, उसमें वो ऐसा स्पेशलिस्ट है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बैंक जो टेंडर करती है उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, उस डॉक्यूमेंट में क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं सिर्फ आर्ट्स करके। ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि हम आर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आर्ट्स में मेजर ऑप्शन हमारे पास होता है BA इन हिस्ट्री हम कर सकते हैं, BA इन लिटरेचर कर सकते हैं, जैसे जूलॉजी भी हम उसमें कर सकते हैं एंड अगेन हम लोग उस
कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको वहाँ पे मैथ्स लेना चाहिए। तो ये थोड़े बहुत ऑप्शन है, प्लस हम लोग टीचिंग फील्ड में भी आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। और जिन लोगों को यूपीएससी एमपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है या उस फील्ड में उनको जाना है, इंटरेस्टेड है, तो वो लोग भी आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। तो ये ब्रॉडली मैंने आर्ट्स और कॉमर्स को कवर किया है। वन ऑन वन में हम लोग इसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है माशाल्लाह, अभी आपने यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में सुना, आर्ट्स में कुछ और नई फील्ड्स भी आई है जैसे इकोनॉमिक्स, तो आर्ट्स में जाकर आप बीए इकोनॉमिक्स करके इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। लैंग्वेजेस में अगर आपने ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो एज अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर एज एन इंटरप्रीटर, जैसे अभी हमारे पीएम साहब अगर जापान जाएंगे तो वहाँ ये बोल के तो नहीं चलेगा भाइयों बहनों, वहाँ तो उनको भाइयों बहनों बोलना है, और जो ट्रांसलेटर होगा वो बोलेगा कि भाई बहन को क्या बोलते हैं। तो ट्रांसलेटर के लिए बहुत स्कोप होगा। इसी तरह से एक होती है फील्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट जिसको आप बोलते हैं, हम लोग फिल्में देखते नहीं हैं और ना ही देखने के लिए प्रमोट करते हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो हमने अक्सर काउंसलर से सुना है, इस फिल्म को देखना चाहिए। तारे जमीन पर देखा, कितने लोगों ने देखा है तारे जमीन? इसमें आमिर खान का रोल क्या आपने समझा उसको? साइकोलॉजिस्ट के बराबर उस बच्चे को समझ लेता है इसको क्या प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंगली वो उसका टीचिंग का मेथड चेंज करता है। तो बी ए विद साइकोलॉजी करके आप एज अ साइकोलॉजिस्ट भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आजकल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड हर जगह हो रही है, आपको सुन रहे या खत्म कर दिया जाए, सुन रहे या खत्म कर दिया जाए, नहीं सुन तो नहीं रहे, कोई ऐसा टेढ़ा होकर बैठा है, कोई ऐसा बैठा है जैसे लग रहा है कि मैं आपके सामने अपना एक बिजनेस का प्रपोजल रखना हूँ, आप सेठ साहब हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट उसको आप दे रहे हैं, ये आप खराब इंप्रेशन डाल रहे हैं उस पर जो आपके लिए खड़ा है। और एक चीज़ याद रखना, आप जो इंप्रेशन डालते हैं ना उससे ये पता चलता है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया। सॉरी मैं बहुत कड़क लफ्जों में बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ बोल सकता हूँ, बहुत कड़वे लफ्ज बोल रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि शर्ट के बटन खोल के बाहर मैं घूम सकता हूँ, माई लाइफ, माई स्टाइल, माई विश, लेकिन आपको नहीं पता है कि उससे सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ता है। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, बस में ट्रैवल करते हो, तो सामने वाले को ये लगता है कि किसी गुंडे की फैमिली का है, आप किसी गुंडे की फैमिली से नहीं जाओ तो फिर क्यों इंप्रेशन डाल रहे हैं। इसलिए अच्छा इंप्रेशन डालिए, गौर से सुनिए, अब आपके लिए बोल रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए और गौर से सुनिए। ऐसा बिहेव मत कीजिए कि यार बस कर, यार बच कर जा, ऐसा मत कीजिए। हम वैसे ही बहुत परेशान है अपने कौम के मुस्तकबिल को लेकर, तो हमको परेशान मत कीजिए, गौर से सुनिए क्या कहा जा रहा है। इतनी सारी फील्ड्स हमने आपको गिना दी है जो किसी काउंसलर के पास जाकर आपको फीस दे के सीखनी पड़ेगी, इसलिए पे अटेंशन दिए, वी आर डूइंग इट फॉर यू, जस्ट पे अटेंशन, बी फोकस, फोकस होकर सुनिए। तो साइकोलॉजी की फील्ड भी एक बहुत ही एडवांस फील्ड है, इसमें बहुत स्कोप है। स्कूलों में आजकल साइकोलॉजिस्ट को रखा जा रहा है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, आपको पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। जेल में जो क्रिमिनल जमा होते हैं यानी बंद होते हैं, उनके लिए साइकोलॉजिस्ट का इंतजाम किया जाता है कि उनको सिखाया जाए। मैंने यहाँ तलोजा कांड इसी करीब में है, यहाँ पर मैंने 9 साल काम किया है कंपनी, वहाँ पर एक बंदा ऐसा था, बहुत अच्छा बंदा था, उसको बहुत एक्सपर्टीज था मेंटेनेंस, लेकिन उसको बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं था, सबसे लड़ता बैठता था, उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट को रखा गया, कंपनी ने खर्चा किया और साइकोलॉजिस्ट रखा और उस साइकोलॉजिस्ट उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो साइकोलॉजिस्ट एक नई जिंदगी देता है, जो डिप्रेशन में है उनको डिप्रेशन से बाहर निकलता है। एक बहुत बड़ी, बहुत वास्ट फील्ड है साइकोलॉजी। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप देते हो ना, ये साइकोलॉजिस्ट डिजाइन करता है, आपके ब्रेन को पढ़ना, आपकी पर्सनैलिटी को पढ़ना, आपके एप्टीट्यूड को समझना, आपके इंटरेस्ट को समझना। तो इतनी सारी फील्ड हमने आपके सामने रखी है, मेरे बच्चों ध्यान दो, कोई अच्छी फील्ड जो आपको बेहतर लगती है उसको चुनो, एज सून एज पॉसिबल डिसीजन लो, ताकि उस फील्ड के बारे में आप मजीद रिसर्च कर सको और उस फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सको। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो भी करियर में आपको जाना है उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो, करोगे इंशाल्लाह, ऐसे हाथ पर बेस्ट बनने की कोशिश करो। किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में हमको ये नहीं कहना है कि इसमें स्कोप नहीं है, बल्कि हमको इतना बेस्ट बनना है कि पूरा स्कोप हमारी तरफ,
जैसे मैं एग्जांपल लास्ट एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी माशाल्लाह आए हुए हैं जिनकी हम प्रेजेंटेशन के लिए काम करेंगे। ड्राइंग में, पेंटिंग में या कोई सोच सकता है कि इसमें भी कोई करियर बना सकता है, लेकिन आप अगर फैशन को देखिए कि जो इतना एक्सपर्ट उसमें हुआ कि जिसकी पेंटिंग हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आती लेकिन करोड़ों में बिकती है। तो करियर ऑप्शन आप कोई भी चुन लीजिए, बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर करने की तौफीक अता फरमाए। YouTube पर जाकर SDI उम्मीद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी अपना मोबाइल निकालिए, SDI एस फॉर सुन्नी, डी फॉर दावत, आई फॉर इस्लामी, उम्मीद UMMED। इसमें हमारे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं वहाँ पर, हाउ टू बिकम एन इसरो साइंटिस्ट, इस पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अभी सलमान सर का एक लेटेस्ट वीडियो जो रिलीज हुआ इस चैनल पर, उसका नाम है हाउ टू बिकम एन IITian। ये IITian है तो इनको बेस्ट पता, सही तरीके से पता है कि IITian कैसे बन सकते हैं। तो IITian और उसमें क्या डिफरेंसेस है नॉर्मल कॉलेज और IIT कॉलेज में, तो हाउ टू बिकम एन IITian। इसी तरह से हाउ टू क्रैक नीट, इसके बारे में इनकी सीरीज ऑफ वीडियोज है, मल्टीपल वीडियोज इनके हैं, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे और कई वीडियोज हम उसमें रिलीज कर रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है यूट्यूब पर रिलीज हम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो SDI उम्मीद चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया आपने, अगर नहीं किया तो अभी निकालिए, अभी सर्च पर जाइए SDI उम्मीद टाइप कीजिए और वो चैनल आपके सामने होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए SDI उम्मीद, उसको फॉलो कीजिए। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके पूरे अपडेट्स हम डाल रहे हैं उसमें, तो आपको उसका अपडेट मिलेगा। फिर जब आप भी पढ़िए कि हाई क्वालिफाइड होंगे तो आप भी उम्मीद का हिस्सा होंगे और उम्मीद जगह से जाएंगे और कॉम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर भी हमको फॉलो कीजिए, ट्विटर जो अभी एक्स हो गया है उस पर भी SDI उम्मीद को फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आपकी छुट्टी में भी है, अभी थोड़ा सा हम सेटअप को चेंज करेंगे, फैसिलिटेशन जो हमारे अगले मेहमान हैं हम काम करेंगे, उसके बाद डिफरेंट टेबल्स लगाकर हमारे काउंसलर्स बैठ जाएंगे और वहाँ पर आकर आप अपने क्वेश्चन कीजिए जो कुछ आपके मन में है। ये मत सोचिए कि तो सिली क्वेश्चन होगा काउंसलर हंस देगा, कोई बात नहीं, हंसी देगा, गला थोड़ी दबा देगा, इसके अपना क्वेश्चन आप कीजिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी से नवाजे। इस दुआ के साथ मैं अपने सेशन को वाइंड अप करता हूं और सही वैसे कहता हूं कि आगे की कार्रवाई बाकी रहे। मैं इसमें आप एडिशन भी और एक कर सकते हो, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, अभी तो ग्लोबल कोर्सेज भी आ गए हैं जो ACCA है, CFA है, तो ये भी आपके पास नए ऑप्शंस हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो इसमें आप बहुत अच्छा अपना करियर चूज कर सकते हो, बना सकते हो। आज समय है तो आज में मैं एडिशन करना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम BA हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर UPSC में आप जा सकते हो, MPSC में आप एग्जाम्स के लिए क्लियर कर सकते हो जिसमें आप राज्य सेवा से लेके डिफरेंट पोजीशंस को हासिल कर सकते हो या फिर केंद्र सेवा से लेके डिफरेंट पोजीशंस आप हासिल कर सकते हो अगर आप UPSC एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आप BAMMC भी कर सकते हो अगर आप मास मीडिया में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, एंकर बनना है, न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, तो आप BAMMC को भी चूज कर सकते हो अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो। सो यही मुझे बस अपनी साइड से कहना था, ये एडिशन करना था, अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया। जजाकल्ला मैडम, और हमारे लिए इंस्पिरेशन है डॉक्टर अभिदा मैडम, ये न्यू पनवेल की रैली है, आप लोगों ने जो नंबर्स लिखा हुआ है अगर आपको सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जोड़ जाओगे तो इनका मैं डिटेल्स भी शेयर करूँगा, आप उनका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशल बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, आपको मैडम एक्चुअली बहुत बिजी रहती है क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के काम रहते हैं उनके पास, तो एक टाइमिंग डाल देंगे तो उसके अंदर मैडम आपको डेफिनेटली गाइडेंस करेंगे। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब भी आ रहे हैं कुछ ही देर में, तो उनका भी हमको इस्तेमाल करना है। मैं और वो जब बुलाने पाऊँगा मुदस्सर पटेल साहब।
और उनकी समाज सेवा, उनका 2 वर्ष भी एक पेशेंट्स को सही करने में काम आता है। तो मैं डॉक्टर रजनी साहब को मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ, नाचे हुए उनकी गुरुपोषी करेंगे। डॉक्टर रजनी साहब जी भाई डॉक्टर रजनी साहब को पनवेल में शायद ऐसा कोई होगा जो जानता नहीं होगा। उनकी समाज सेवा के लिए बहुत फेमस है, बहुत ही कम खर्चे में इलाज करते हैं। मैंने इसका एक बार हमेशा देखा है। पर 3 रात तक मैं सोया था, जितने फोन आ रहे थे सबको अटेंड कर रहा था। फाइनली 3 रात दस होने की वजह से चक्कर आके गिरा, वो भी बैक साइड में गिरा। 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट था और 6 महीने तक बेड रेस्ट था, लेकिन उसने अपनी समा सेवा छोड़ी नहीं। तो नासिरबाद जैसे लोगों की हमको सब जरूरत है। शुक्रिया। मैं नासिरबाद से चाहूँगा कि सभी को स्कूल देखे मूसा भाई का शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे सामने आए थे वहाँ बंदा बैठा हुआ है, तो हमको उनके पास से मोटिवेशन इंस्पिरेशन की हमारे लिए बहुत अच्छी साधन थी जो हमारे बीच में है। नासिरबाद उसके बाद हमारे तीसरे गेस्ट नोवान भाई, ये इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम यहाँ पे दिया एंड यहाँ पे आए। तो नासिर भाई उन्हें भी उनकी भी गुरु